हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करूँगी डर्मा शाइन का ये ब्लैक मास्क। बेसिकली ये एक पील ऑफ मास्क है। आपने बहुत सारे इनके वीडियोस देखी होंगी ऐसे मास्क की, सोशल मीडिया पे जो है ना बहुत ज़्यादा इनकी मैंने वीडियोस देखी हुई हैं ब्लैक पील ऑफ मास्क की। बेसिकली लोग ये यूज़ करते हैं जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। मैंने भी कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने डर्मा शाइन का ये 200 ग्राम का जो है ट्यूब ले लिया था और इसको मैं जो है ना काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। आप इसकी पैकेजिंग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पीछे सारा डायरेक्शन दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स दी हुई है। बेसिकली ये कहते हैं कि आपके फेस को, आपकी मतलब स्किन को डिटॉक्स करता है और जितनी भी ऑयल है और डर्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उसको बाहर निकालता है। मैंने ये यूज़ किया काफ़ी दफ़ा। इसमें लिखा हुआ है कि ये 5-10 मिनट के लिए आप अप्लाई करें और फिर इसको जो है पील ऑफ करके निकालें और आपकी जो है ना स्किन स्मूथ हो जाएगी। ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि जो है ना ब्लैक हेड इससे निकलते भी हैं, रिमूव भी होते हैं, स्किन स्मूथ भी होती है और आपको जो हेल्दी भी लगती है। बट ये मसला ये है कि ये 10-15 मिनट में नहीं सूखता भाई, ये बहुत लंबा टाइम लेता है। इसको आधा घंटा या घंटा लगा के रखना चाहिए, मतलब 15 मिनट में तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। अगर आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। बेसिकली आपको ऐसे ये यूज़ करना है कि आप अच्छे से फेस वॉश करके ड्राई करें अपने फेस को, फिर पूरे फेस पे या सिर्फ नोज़ और चिन पे अप्लाई करें और फिर आप आधा घंटे से घंटा वेट करें ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, फिर उसको पील ऑफ करें। ठीक है जी। बाकी अगर बात करें इसकी क्वालिटी की तो भाई सही है, 500 में इतना बड़ा ट्यूब ओके है। इतना ख़ास अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अपना काम कर लेता है। और या यू कैन बाय इट, अगर तुम कोई ब्लैक पील ऑफ मास्क ढूंढ रहे हो चाकोल का तो ये आप ले सकते हो। बाकी अगर मैं वैसे आपको बताऊं, आपको परमानेंटली जान छुड़वाना है ब्लैक हेड और वाइट हेड से, तो उसके लिए आपको फिर जो है मैंटलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होंगी, एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करने होंगे ताकि वो एक्सफिलिएट आपकी स्किन को अच्छे से करें और वो ब्लैक हेड और वाइट हेड को होने ही ना दें। बट आप अगर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। सो दैट्स माई ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। थैंक यू।